झुंझुनू के खेतड़ी कस्बे के गोरिर गांव में राशन सामग्री को लेकर दो दिन पहले ग्राम विकास अधिकारी का सर फोड़ दिया गया था। वहीं आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला शहर में, जहां नगर परिषद की टीम के साथ एक व्यक्ति ने हाथापाई की। जानकारी के मुताबिक आयुक्त तो रोहित मील अपनी टीम के साथ वार्ड नंबर 1 के आलिशान मकान में पहुंचे, जहां से राशन सामग्री के किट की डिमांड आई थी, लेकिन टीम को लगा नहीं कि परिवार को राशन किट की जरूरत है। इस पर गुस्साए व्यक्ति हाथापाई पर उतर आए। इस संदर्भ में कोतवाली में रिपोर्ट दी गई। वहीं कलेक्टर यूडी खान ने भी इन मामलों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में तुरंत FIR कराकर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। के ऊपर कि हर व्यक्ति अपने पास में ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री एकत्रित करना चाहता है, ये सोच ठीक नहीं है, क्योंकि इस सोच की वजह से अन्य जो पात्र व्यक्ति हैं उनको परेशानी हो सकती है, उनको समय पर खाद्य सामग्री नहीं मिली। इसलिए ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि वो इस तरह के काम नहीं करें। अगर फिर भी इस तरह के व्यक्ति जिनको पात्रता नहीं है या जिनके पास पहले से उपलब्ध है फिर भी डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संबंधित उपखंड अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को आदेशित कर